तो कैसे हो मेरे भारतीयों, आज हम एक इंग्लिश वर्ड डेलिकेसी के बारे में जानेंगे हिंदी में। देखो, डेलिकेसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि बहुत डिटेल में है या फिर बहुत छोटे लेवल पे आपको कोई खराबी या फिर कोई भी डिफेक्ट उसमें नहीं मिलेगी, एकदम परफेक्ट है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप डेलिकेसी कह सकते हो। जैसे अगर कोई गाना गा रहा है, ठीक है, एकदम अच्छे से परफेक्ट सुर से सुर मिला के, कोई भी आपको उसमें गलती नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ को आप डेलिकेसी कह सकते हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। हर सिंगिंग वॉज बोथ वॉर्म्थ ऑफ साउंड एंड डेलिकेसी ऑफ न्यूसेंस। मतलब उसका जो सिंगिंग था वो उसके साउंड में कुछ गर्माहट थी, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था एंड डेलिकेसी था, एकदम परफेक्ट था, ठीक है। और एक बात, डेलिकेसी आप जो हम मान लो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ठीक है, तो उनमें जो हम स्पेशल फूड खाते हैं, जैसे मान लो गणेश पूजा में हम मोदक खाते हैं, राइट, तो ये कुछ स्पेशल फूड हो गया, तो उसको भी आप डेलिकेसी कह सकते हो। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड पॉल डिक्शनरी की तरफ से आपको एक छोटा सा टिप है आपका इंग्लिश को और भी बेहतर बनाने के लिए, जो कि है आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दो आज से ही। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टॉप 5 बुक्स दिए हुए हैं जो कि आपको इंग्लिश लर्न करने में एंड समझने में बहुत हेल्प करेगा, तो जाके लिंक से जाके परचेस करो, डिलीवरी लो बुक का एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका इंग्लिश ट्रेमेंडसली इंप्रूव हुआ है आफ्टर रीडिंग बुक्स। एंड अगर आप इंग्लिश लर्निंग गैंग में से हो तो आप हमारे जो फेसबुक ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उस ग्रुप में ऐसी चीज़ें शेयर होती है जो कि सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड है, जो कि आपको हेल्प करेंगे कुछ अच्छा अचीव करने में आपके लाइफ में। तो के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए